गाइस, वेलकम टू बीबीसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम 5 सबसे अजीबोगरीब कार के दरवाजे देखेंगे जो कि यकीनन आपको हैरानी में डालने वाले हैं। तो चलिए आराम से बैठिए और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर 1, क्राइसलर पोर्टल। जैसे कि नाम से ही बता देता है कि क्राइसलर पोर्टल को इसकी कंपनी ने फ्यूचर के लिए ही बनाया है और इसीलिए नई जनरेशन ने आने वाले फ्यूचर की जनरेशन के लिए गाड़ी का डिजाइन अभी से दे दिया है। और इसके साथ हम देखेंगे तो पोर्टल में एक नए रंग ढंग में स्लाइडिंग दरवाजे लगे होते हैं, जैसे कि क्राइसलर गाड़ियों की आदत रही है। गाड़ी के इस मॉडल में हर दरवाजा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलते हैं, इसी वजह से इस गाड़ी की हर साइड एक लिफ्ट की तरह खुलती हुई लगती है। अगर आप क्राइसलर के सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में होने वाली मौजूदा ख्वाहिशों को खुद भी आजमाएंगे तो मालूम होगा कि कैसे ऑटोमोबाइल कंपनी अब फ्यूचर की तरफ अपने कदम जमा रही है। नंबर 2, ज़ोमोबाइल स्लाइडिंग डोर्स। ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है जिसे एक रशियन कंपनी ने डिजाइन किया है। इस तरह की कार आप लोगों ने सड़कों पर कभी भी पहले नहीं देखी होगी। इस कार का डिजाइन सबसे अलग है। इस कार के दरवाजों की बनावट बेहद ही शानदार है। इसका दरवाजा सामने की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ खुलता है, वो भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए इसके मिरर्स पर मिनी कैमरा भी लगे होते हैं। और इस कार के अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग, टच स्क्रीन कंट्रोल, GPS सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और इंटरनेट एक्सेस की सहूलत भी मौजूद है। लेकिन सबसे शानदार बात जो इसमें लगती है वो है इसके दरवाजे, चूँकि ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलते हैं। नंबर 3, BMW Z1 वर्टिकल स्लाइडिंग डोर्स। दोस्तों, BMW Z1 अपने दौर की एक जानी मानी गाड़ी रही है। 1989 में लॉन्च किया गया Z1 का ये मॉडल कई वजह से एक आइकॉनिक मॉडल रहा है। उनमें से एक वजह इसके ऊपर और नीचे स्लाइड करने वाले दरवाजे भी हैं। ये माइंड ब्लोइंग दरवाजे एक बटन के दबाने पर ही ऑटोमेटिकली सीधे नीचे कार की बॉडी में चले जाते हैं। इसका सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें दरवाजों की ऊंचाई को नॉर्मल दरवाजे के मुकाबले में कम रखा गया है और साथ में हर दरवाजे के नीचे एक सील भी बनी होती है जिसमें ये दरवाजे स्लाइड करते हुए चले जाते हैं। नंबर 4, GLM G4 डोर्स। ऐसी दुनिया जहाँ पे ट्रेंडिंग चलती रहती है, ट्रेंड तेजी से बदलते रहते हैं और नई नई एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ भी आती रहती हैं, तो वहीं GLM G4 भीड़ में भी अलग ही दिखने वाली कार है। अगर इसकी पावर की बात की जाए तो G4 की अमेजिंग टॉप स्पीड 155 माइल्स पर आवर है और 3.7 सेकंड्स में इसका एक्सलेशन 0 से 62 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाता है। G4 गाड़ी को जापान की कंपनी GLM ने बनाया है। इसका दिलकश डिजाइन और इसकी पावर ऐसी खूबियां हैं जो कि इसे देखने और चलाने दोनों में सबसे एक्साइटिंग गाड़ी बना देती है। इसमें सबसे पहले जो बात अट्रैक्ट करती है वो है इसके दरवाजे, जो हवा में लटके हुए अंदाज में डायगोनली ऊपर की तरफ उठते हुए खुलते हैं और इनमें अगले दरवाजे आगे की तरफ और पिछले दरवाजे पीछे की तरफ बाहर फैलते हुए खुलते हैं, जिसके बाद गाड़ी के अंदर का एक खुला नजारा सामने आ जाता है और इस तरह आपको अंदर बैठने में भी आसानी हो जाती है। नंबर 5, फोर्ड इवोस कॉन्सेप्ट डोर। साल 2010 से ही फोर्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो ये देख रहे थे कि 2011 में फोर्ड इवो कॉन्सेप्ट कार की रिलीज से ही उनके ब्रांड के डिजाइन की कुछ खामियों की वजह से
फोर्ड गाड़ी की डिमांड कम होती जा रही है, तो इस मसले के हल के लिए उन्होंने कटिंग एज डिज़ाइन के एक्सपर्ट हायर किए और फिर इन्होंने ऐसा डिज़ाइन दिया कि जिससे फोर्ड कंपनी की इमेज अपनी जगह बनी रही। क्योंकि इवो कार के अनोखे अंदाज वाले कर्विंग दरवाजे गाड़ी के सामने वाले हिस्से से ज्वाइंट होते हुए खुलते हैं। ये दरवाजे एक नए फैशनेबल अंदाज में बाहर और ऊपर की तरफ स्विंग करते जाते हैं और फिर गाड़ी के अंदर का इंटीरियर एक दिलकश स्टाइल में दिखने लगता है। तो आखिरकार इनके डिजाइनर कामयाब हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल BBC फ्यूचर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।